सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लोबेशन कैसे किया जाता है। तो आपको मैं यहाँ पर दोनों तरीका बताऊंगा कि रील वीडियो पर क्लोबेशन कैसे किया जाता है एंड पोस्ट पर भी क्लोबेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्लोबेशन करने के लिए प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होता है एंड आपको यहाँ पर कोई भी पोस्ट या फिर रील वाले सेक्शन में आके कोई भी रील वीडियो यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो दोनों एक ही तरीका से करना है, रील हो या फिर पोस्ट हो, दोनों एक ही तरीका से यहाँ पर क्लोबेशन किया जाता है। सो आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। सो आपका जो हर प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा एंड यहाँ पर आप लोग सीख जाओगे कि कैसे क्लोबेशन किया जाता है। देन हम लोग एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, फिर से एरो पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको जो भी कैप्शन वगैरह लिखना होता है वो लिख लेंगे। उसके बाद टैग पीपल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऐड टैग एंड इनवाइट क्लोबेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है कि उनको इनवाइट क्लोबेटर वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आपको आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। सो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका ये जो प्रॉब्लम है इनवाइट क्लोबेटर वाला वो सॉल्व हो जाएगा। देन हमको इनवाइट क्लोबेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड जिसके साथ क्लोबेशन करना है उसका अकाउंट हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेंगे। सो आप लोग देख सकते हो कि हमने उसका अकाउंट सर्च कर लिया। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम देखने को मिलता है, अगर आप लोग जिसका अकाउंट सर्च किए हैं उसका अकाउंट यहाँ पर वाइट आ रहा है एंड उस पर अगर आप लोग क्लिक कर रहे हैं तो इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड आई बटन पर दिया हुआ है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका जो प्रॉब्लम होगा वो 100% सॉल्व हो जाएगा। देन अब आप लोग जिसके साथ क्लोबेशन करना चाहते हैं उसका अकाउंट यहाँ पर टैप कर देंगे। उसके बाद आपको उसका अकाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपको ऊपर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन आपको फिर से टिक कर देना है। सो आपका जो फोटो होगा वो पोस्ट तो हो जाएगा बट यहाँ पर अभी क्लोबेशन नहीं हुआ है। आप लोग को मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि अभी क्लोबेशन यहाँ पर नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर एक ही अकाउंट दिखा रहा है। अब आपने जिसके साथ क्लोबेशन किया है उसको बोलना पड़ेगा कि मैंने आपके साथ एक पोस्ट पर या फिर रील पर क्लोबेशन किया है, उस पोस्ट को आप एक्सेप्ट कीजिए, तभी आपको यहाँ पर एंड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड आपका जो पोस्ट होगा वो यहाँ पर क्लोब हो पाएगा। तो ये काम आपको नहीं करना है, ये काम उसको करना है। अगर उसको क्लोबेशन नहीं करने आता है या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करने आता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा। सो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा एंड उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो देख कर यहाँ पर क्लोबेशन एक्सेप्ट कर पाए आपका, तभी आप लोग यहाँ पर क्लोबेशन कर पाओगे। अब आप लोग देख सकते हो कि उसने पोस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एंड वाला ऑप्शन आ जाएगा एंड यहाँ पर टू अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि हमने थंबनेल में लिख रखा है, टू अकाउंट वन पोस्ट या फिर वन पोस्ट टू अकाउंट, इस तरीके का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो पोस्ट है वो क्लोबेशन हो चुका है। सो इस तरीके से करके हम लोग क्लोबेशन कर सकते हैं। अगर आपको क्लोबेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा तो आपका जो प्रॉब्लम होगा वो 100% सॉल्व हो जाएगा। सो आगे भी क्लोबेशन से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजबल लगा होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।